ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके समक्ष भगवद गीता के सार को रखेंगे। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि वो ज्ञान उनको दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनके भक्त हैं, और भगवान कहते हैं इस कारण तुम इस ज्ञान को समझ पाओगे। तो अगर हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण संदेश का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये अवश्य है कि इस ज्ञान को हम भक्त द्वारा स्वीकार करें। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के नुस्खे को डॉक्टर के आदेश के आधार पर लोगे दवाई को, फिर तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप अपने मनमानी कर दवाई को ग्रहण करोगे तो उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं पारितनाया साधु नाम विनश्य च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाया समवामी युगे युगे, कि वो अवतारित होते हैं धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए। मानव जीवन और पशु जीवन का अंतर यह है कि मानव जीवन की प्राप्ति के पश्चात धर्म के नियमों का पालन व्यक्ति कर सकता है, और पशु के जीवन के द्वारा ये धर्म के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। जैसे कि आज इस बैठक में हम आपके समक्ष गीता का सार रख रहे हैं और आप सब सावधानी के साथ ये सार को सुन रहे हो, पर ये संभव नहीं हो सकता कि पशुओं को आगे बिठाया जाए और वो सावधानी के साथ इस संदेश को स्वीकार करें। आप जानते हो कि मानव जीवन के द्वारा जो सुविधा प्राप्त है वो पशुओं के द्वारा प्राप्त नहीं होती। जैसे कि अगर आप सड़क में लाल बत्ती के होते हुए सड़क की दूसरी तरफ जाओगे तो आपको पुलिस वाले पकड़ लेंगे, पर अगर कोई कुत्ता लाल बत्ती के होते हुए वो दूसरी तरफ सड़क के जाता है तो पुलिस उसको पकड़ती है? नहीं पकड़ती। सरकार रोज कानून बनाती है आप लोग के लिए, पशुओं के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये उम्मीद किया जाता है कि जो पशु हैं वो नियम का पालन नहीं कर सकते, पर मानव जीवन के द्वारा ये धर्म के नियमों का पालन किया जा सकता है, सरकार के नियमों का पालन किया जा सकता है। इस कारण वेदांत सूत्र में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, मानव शरीर के द्वारा ये जिज्ञास करना चाहिए कि हम हैं कौन, हम किधर से आ रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं। अगर आप किसी विदेश में जाओ तो सबसे पहले उस देश के इमिग्रेशन वाले लोग आपको पूछते हैं कि आप हो कौन, फिर वो पूछते हैं आप किधर से आ रहे हो, और फिर वो पूछते हैं कि आप किधर जा रहे हो। तो उसी प्रकार हमें भी इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है। अगर हम आपसे पूछें कि आप हो कौन तो आप शायद उत्तर में कह दोगे हाँ मिस्टर शिव दसानी हैं, मिर्चंदानी हैं वगैरह। हम कहते हैं आप नहीं हो ये शरीर। अगर हम आपसे पूछें कि आप किधर से आ रहे हो तो आप कहोगे हम उल्लासनगर से आ रहे हो हैं, और हम कहेंगे पूछेंगे आप किधर जा रहे हो तो आप कह दोगे रिश्तेदार या किसी दोस्त का पता। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो। आज आप ये सोच रहे हो कि आप ये शरीर हो, पर आप ये शरीर नहीं हो, क्योंकि ये शरीर तो बदलते रहता है। ये भौतिक शरीर जो कि अनेक भौतिक तत्वों के मिश्रण से उत्पन्न होता है ये तो बदलते रहता है। जो शरीर है वो छह अवस्थाओं से गुजर कर जाता है। सबसे पहले तो ये जन्म लेता है,
फिर ये बड़ा होता है, फिर ये ठहरता है, कुछ पैदा करता है, क्षीण होता है, अंत में नष्ट हो जाता है। पर आत्मा जो है ना, तो कभी उसका जन्म होता है और ना ही उसका देहांत होता है। और अगला प्रश्न ये था कि आप किधर से आ रहे हो। हम सब भगवान के धाम से आ रहे हैं। और अगला प्रश्न है कि आप किधर जा रहे हो। और शास्त्र में ये खंडन किया जाता है कि कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निश्चित होता है। कर्मण दैव नेत्रे न जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रवेश उदारम पुंसरेत खनश्रया। कर्मों के आधार पर हमारा भविष्य निश्चित होता है। या तो हमें जल की योनि में जन्म प्राप्त हो सकता है, या हमें स्थावर योनि में जन्म प्राप्त हो सकता है, या हमें पशु की योनि, पक्षी की योनि, कीड़े की योनि, 84 लाख किस्म की योनियां हैं, जिनमें केवल 4 लाख योनियां ही मानव की योनियां हैं। जिस प्रकार का हम कर्म करेंगे उसी के आधार पर हमारा भविष्य निश्चित होता है। इस कारण शास्त्र में यह बताया जाता है कि सावधानी के साथ इस जीवन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि भविष्य में किस प्रकार का ध्येय हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो शास्त्रों का ये कहना है कि पशु के जीवन और मानव के जीवन में अंतर है। अंतर यह है कि पशु की बुद्धि में केवल इंद्रिय तृप्ति की भावना ही लिप्त रहती है। पशु जो है सुबह से रात तक केवल इंद्रिय तृप्ति का ही सोचता है। पशु जो है वो केवल यही सोचता है कि किस रूप से इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी, खाना पीना सोना भोग विलास। और अगर हम मानव जीवन की प्राप्ति के पश्चात इसी प्रकार के विचार रखेंगे तो इस जीवन में और पशु के जीवन में कोई भेद नहीं है। धर्म ही नहीं ना पशु भी समाना। तो कहने का अर्थ यह है भाई और बहनों कि आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपके इस शरीर में और जानवर के शरीर में अंतर है। और ये भी भूलना नहीं चाहिए कि आज जो शरीर आपके पास है वो कठिनाई के साथ प्राप्त हुआ है। ये मत सोचिए कि ये मानव शरीर सरलता के साथ प्राप्त हो सकता है। तो वैदिक शास्त्रों का ये कहना है कि मानव जीवन के द्वारा विष्णु की प्रशंसा के लिए कार्य करना अनिवार्य है। विष्णु की प्रशंसा के लिए अगर हम कार्य करेंगे तो फिर ही हम ये जन्म मृत्यु के बंधन से अपने आप को मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, तो ही हम इसके द्वारा छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम इस युद्ध में लड़ो। भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये देखा जाता है कि अर्जुन की इच्छा नहीं थी इस युद्ध में लड़ने के लिए, है कि नहीं। जब भगवान ने उन्हें कहा कि तुम क्षत्रिय हो और तुम इस युद्ध में लड़ो, तो अर्जुन ने क्या कहा, नहीं मैं नहीं लड़ सकता, मैं इस युद्ध में लड़ने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मेरे रिश्तेदार मारे जाएंगे। पर भगवान ने क्या कहा, तस्मात सर्वेषु कलेषु मम मनस्मर युद्ध चा, कि अपने मन के द्वारा मेरा चिंतन करो और हे अर्जुन तुम इस युद्ध में जाके लड़ो। तो उसी प्रकार ये जो आज हमने जन्म लिया है, ये जो भौतिक जगत है, ये एक रूप से युद्ध का मैदान है। और अगर हम ये सोचें कि हमने इस युद्ध के मैदान में नहीं लड़ना, हम घर में बैठेंगे, जंगल में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो वो भी संभव नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि तुम इस युद्ध में लड़ो पर मन के द्वारा मेरा चिंतन करो, उसी प्रकार हमें भी इस भौतिक जगत में कार्य करना है पर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी है, तो ही हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आज समाज में ये समझा जाता है कि अगर किसी भी रूप से धन की प्राप्ति हो जाए,
अगर किसी भी रूप से संपत्ति बना लें तो हमारी सुरक्षा हो रही है और ये संपत्ति के द्वारा हमारी रक्षा की जाएगी। धनी व्यक्ति को भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है, शक्तिशाली व्यक्ति को भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा जो खैर इसके सामने हर व्यक्ति को झुकना पड़ता है। अनेक रूपों से हर व्यक्ति को दुख सहना पड़ता है। भौतिक जगत के दो लक्ष्य हैं, एक लक्ष्य है दुखालयम, दूसरा लक्ष्य अशाश्वतम। एक तरफ से तो भौतिक जगत में दुख ही दुख है, अनेक रूपों से दुख सहना पड़ता है। आप सबने देखा है कि जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है, बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है तो केवल वो रोते हुए ही निकलता है, हंसते हुए नहीं। आपने ये आजमाया है तो इसके द्वारा ये सूचना मिल रही है कि जिंदगी भर ही रोना ही पड़ेगा। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम हंस पाएंगे, पर अगर आप हंसना चाहते हो तो उपाय है, पर अगर आप वो उपाय की शरण नहीं लोगे तो फिर रोना ही पड़ेगा। उपाय क्या है? भगवान के चरण कमलों की शरण। जिस प्रकार अगर आप स्वतंत्र के साथ एक देश में रहना चाहते हो तो ये अवश्य है कि आप उस देश के नियमों का पालन करो। जैसे कि हमारे भारत देश को एक स्वतंत्र देश माना जाता है, जो भी कार्य कोई व्यक्ति करना चाहे वो इस देश में कर सकता है, पर इसके साथ आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप सरकार के नियमों का पालन करोगे, ठीक है ना। अगर आप सरकार के नियमों का विरोध करोगे तो स्वतंत्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। उसी प्रकार से अगर हम परम सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो ही हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। सुख की प्राप्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति के द्वारा नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में महाराज ऋषभ देव की कथा है। महाराज ऋषभ देव पूरे पृथ्वी के राजा थे और महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। तो महाराज ऋषभ देव अपने पुत्रों को बुलाकर एक उपदेश दे रहे थे। शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को पति नहीं बनना चाहिए, जब तक कि वो अपने शिष्य को, अपनी पत्नी को, अपनी औलाद को शुद्ध मार्ग में नहीं लगा सके। तो महाराज ऋषभ देव की ये जिम्मेदारी थी कि जो पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया है उनको ये बताया जाए कि उनका स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। तो महाराज ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, नाहम देह देह बाजम लोके कस्तम कामा मर्तविद भूजम ये तपो देव्यम पुत्र का ये न सत्वम। महाराज ऋषभ देव जी ने कहा, हे पुत्र, तुम ये जीवन का उपयोग पशुओं के समान मत करो। पशु जो है ये जीवन का उपयोग करते हैं खाने पीने सोने भोग विलास के लिए। तो प्रश्न ये उठता है, हम करें क्या जीवन के द्वारा? तपो देव्यम पुत्र का, तुम तपस्या उठाओ भगवान की प्रशंसा के लिए। आज भौतिकवादी व्यक्ति भी तपस्या उठाता है, पर हम तपस्या उठाते हैं भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिशियन भी इलेक्शन में जीतना चाहे तो वो भी 2-3 बार सत्याग्रह करता है, भूख हड़ताल करता है, जेल में जाता है कि नहीं। आपको धन कमाना हो तो आपको भी गधे के समान परिश्रम करना पड़ता है। सुबह 4 बजे लोकल ट्रेन भरी हुई रहती है, 4 बजे कोई उठना थोड़ी जाता है, पर जबरदस्ती आपको उठना पड़ता है। आपके उल्लासनगर में भी फैक्ट्री नाइट शिफ्ट में भी चलती होंगी, रात को कोई काम करना चाहता है जब भी जबरदस्ती जाना पड़ता है। तो हम भौतिक सुख के लिए तपस्या उठाने को तैयार हैं, पर आध्यात्मिक सुख के लिए टिको नहीं, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम भूल रहे हैं कि ये शरीर नाशवान है, समय के साथ ये शरीर नष्ट हो जाएगा। और आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही मृत्यु, न जायते म्रियते वा कदाचन। तो आत्मा नष्ट नहीं होती,
शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो महाराज ऋषभदेव के आदेश का लाभ उठाता है। महाराज ऋषभदेव आगे उपदेश देते हुए कहते हैं, नौ नाम प्रमता कुरु थे विकर्मा यदिंद्रिय प्रियत अप्रनोती। महाराज ऋषभदेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लिप्त हो जाता है वो व्यक्ति मूर्ख है। आप कहोगे स्वामी जी आप तो हमारा अपमान कर रहे हो, हम सभी इंद्रिय तृप्ति के विचारों में लिप्त है। मूर्ख इसलिए है क्योंकि जब तक आप भगवान की शरण में नहीं आओगे, जब तक आप भौतिक सुविधाओं की शरण लोगे, जब तक आपको दुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति नहीं। तो महाराज ऋषभदेव कहते हैं कि वो तो मूर्ख व्यक्ति है जो कि ये सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो ये सोचता है कि मुझे खेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अगर माँ बाप उसको जबरदस्ती नहीं पढ़ाए, उसको खेलने कूदने दें, तो अंत में क्या होएगा? अंत में बच्चा बड़े होकर निकम्मा निकल आएगा, ठीक है ना। और अगर आप जबरदस्ती बच्चे को पढ़ाओगे तो फिर बड़े होकर कुछ ज्ञान प्राप्त होएगा जिसका वो लाभ उठा सकेगा। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हमें दुख उठाना पड़ता है। ये हम नहीं सोच सकते कि बिना किसी तपस्या के हम आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं, ये संभव नहीं है कि बिना किसी तपस्या के हम आध्यात्मिक लाभ उठा सके। आध्यात्मिक लाभ अगर हम उठाना चाहते हैं तो तपस्या अवश्य है। तपस्या का अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति के विचारों को त्यागना। इंद्रिय तृप्ति के विचारों को त्यागने का अर्थ है कि वो कार्य नहीं करना जिसके द्वारा गंभीर सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे कि ये कहा जाता है वैदिक शास्त्र में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमा भवाम, कि भगवान जो हैं वो सबसे पवित्र व्यक्ति हैं। तो अगर आप उस पवित्र व्यक्ति को समझना चाहते हो तो आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। अगर आप किसी और व्यक्ति को देखना चाहते हो तो रोशनी में ही देख सकते हो, अंधेरे में आप एक दूसरे को नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार जब हमारे मन में भौतिक विचारों की भावना रहती है तो हम एक दूसरे को ठीक नहीं देख सकते और हम भगवान को भी समझ नहीं सकते। जब व्यक्ति नशे में हो तो वो एक दूसरे को ठीक नहीं देख सकते, एक दूसरे व्यक्ति को पहचान नहीं सकता। तो उसी प्रकार जब तक ये भौतिक नशा होए, जब तक हम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, तो ये अवश्य है कि जो पाप के कार्य हैं उनसे हम अल्पित रहें। वैदिक शास्त्र में बताया जाता है कि चार प्रकार के पाप के कार्य हैं। एक है मांस अंडा मच्छी, वो नहीं खाना। दूसरा है नशे की चीज को ग्रहण नहीं करना। तीसरा है कोई पढ़ाई से संबंध नहीं रखना। चौथा है किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। अगर हम ये चार प्रकार के पाप के कार्य से अल्पित रहेंगे तो ही हम परम भगवान को समझ पाएंगे। तो वैदिक शास्त्र में ये बताया जाता है कि मानव जीवन के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करना अवश्य है। तो इस कारण भगवान भगवद गीता के तीसरे अध्याय में ये बोलते हैं कि विष्णु की प्रशंसा के लिए कार्य करना अवश्य है, नहीं तो व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहेगा। और जैसे हमने आपको कहा था, जन्म मृत्यु के बंधन में केवल दुख की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति नहीं है। भौतिक जगत में केवल असलियत की झलक दिखती है पर सच्चाई नहीं है। जैसे कि जब आप सिनेमा देखने जाते हो तो आपको पता रहता है ये जो सिनेमा आप देख रहे हो, हालांकि ये दिखता बिल्कुल असली है, ये असली नहीं है, है कि नहीं। जब आप टेलीविजन में आपका कार्यक्रम देखते हो तो आपको पता है कि जो कार्यक्रम आप देख रहे हो असली नहीं है, वो कार्यक्रम दिखता असली है पर वो असली नहीं है। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत के जो नियम हैं
वो सब दिखते असली हैं, जो प्रबंध है दिखता असली है पर वो असली नहीं है। और आगे शास्त्र में ये बताया जाता है कि जो कार्य आज आपको सुख देता है वही कार्य कल आपके दुख का कारण बन जाएगा, ये आप मत भूलिए। आज आपकी इंद्रियां जवान हैं, तो आप इनका उपयोग करते हो इंद्रिया तृप्ति के लिए, पर समय के साथ यही इंद्रियां आपकी कमजोर बन जाएंगी। जैसे कि आज आपके जो आंखें हैं वो तेज हैं, तो आज जब आंखें तेज होती हैं तो दिन में चार चार फिल्में देखते हो। आजकल जब से वीडियो आया है लोग तीन तीन चार चार सिनेमा देखते हैं घर बैठे बैठे, है कि नहीं। पर समय के साथ यही आंखें आपकी कमजोर हो जाएंगी, ठीक है ना, होंगे कि नहीं। और फिर क्या बूढ़े व्यक्ति क्या कहते हैं, बेटा हम तो आंखों से देख ही नहीं सकते, है कि नहीं। पर जब आंखों से देख सकते थे तो हमने आंखों का उपयोग किया गलत चीजों को देखने के लिए। उसी प्रकार हमारे जो कान हैं, जब कान से हम सुन सकते हैं तो अक्सर हम क्या सुनते हैं, फिल्मी धुन, है कि नहीं। भगवान की धुनें नहीं, भगवान की धुन 10 मिनट के लिए सुनते हैं तो तंग आ जाते हैं। जब हम भगवान के कार्यक्रम में जाते हैं तो शुरू से घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, है ना, देर हो रही है देर हो रही है। और जब सिनेमा देखना शुरू करते हैं तो घड़ी को देखते ही नहीं, सच बात है ना। जब धर्म का भी कोई कार्यक्रम होता है तो वह फिल्मी धुनों को बजाया जाता है। और यही कान जो आज आपको सुख दे रहे हैं, समय के साथ इतने बहरे हो जाएंगे कि आपको लोगों को कहना पड़ेगा ऊंचा बोलो, सुनाई नहीं देता। और एक दिन आएगा कि ऊंचे बोलने से भी कान से सुनाई नहीं देगा, है कि नहीं। तो वही कान जो आपको आज सुख दे रहे हैं कल आपको दुख देंगे, यही आंखें जो आपको आज सुख दे रही हैं कल दुख देंगी, यही पांव जिनके द्वारा आप आज अनेक स्थानों में चल कर जाते हो वही पांव कल आपको दुख पहुंचाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि भौतिक जगत में जो प्रबंध जो सुविधा जो अंग जो इंद्री आज आपको सुख पहुंचाती है वो ही कल आपके दुख का कारण बन जाएगी। इस कारण सावधानी के साथ इस जीवन का उपयोग करना चाहिए, हर जीवन का उपयोग सावधानी के साथ, क्योंकि जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। इस बैठक में कोई व्यक्ति है जो कि ये कह सकता है कि उसका जीवन और 50 साल समाप्त नहीं होएगा। अगर कोई कंपनी आपको बीमा भेजे जिसके द्वारा आपकी मृत्यु नहीं होगी तो सब भी खरीद लोगे बीमा। अगर कोई बीमा भेजे जिसके लापेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा तो आप सभी वो बीमा को खरीद लोगे, ठीक है ना। क्योंकि दुख को कोई सहना नहीं चाहता। आपके पास बेशक कितना भी बड़ा मेडिकल कवरेज क्यों ना हो, पर बीमार होना चाहते हो आप? नहीं, बीमार कोई नहीं होना चाहता, पर बीमार होना ही पड़ता है। जब बूढ़े होने लगते हैं, सफेद बाल आने लगते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं ये सफेद बालों को छुपाने के लिए, है कि नहीं। तो जो चीज आपको आज सुख देती है वही चीज कल दुख देगी। जब आपकी शक्ल जवान है, चेहरा अच्छा है, बाल काले हैं तो वही आपको सुख देते हैं, वही बाल जब सफेद हो जाएंगे दांत गिरने लग जाएंगे वही वो शरीर आपको दुख देगा। तो भौतिक जगत में जो शरीर जो संबंध जो सुविधा आज आपको सुख देती है वही प्रबंध कल आपके दुख का कारण बन जाएगा। इस कारण शास्त्र में ये भी बताया जाता है कि ये भौतिक जगत में केवल दुख ही दुख है। पदम पदम याद विपदाम नाते श्याम, कदम कदम पर खतरा है। कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि उसका अंत कब आएगा। तो इस कारण हमें सावधानी के साथ चलना चाहिए। भक्त के हृदय में पूरा विश्वास रहता है कि हर स्थिति में मेरे परम पिता मेरी रक्षा करेंगे। जैसे कि प्रहलाद महाराज की कथा है, प्रहलाद महाराज का तो नाम आप सबने सुना है। प्रहलाद महाराज के जो पिता थे वो बड़े नास्तिक थे, पर प्रहलाद महाराज में केवल भक्ति की भावना ही थी।
तो प्रहलाद महाराज जी को पिताजी ने अनेक प्रकार की कठिन स्थितियों में डाला, उबलते हुए तेल में डाला, उनको जहर पिलाई। क्यों? प्रहलाद महाराज का क्या दोष था? यही दोष था कि भगवान के प्रति उनके हृदय में भक्ति की भावना थी। जब प्रहलाद महाराज भगवान की इच्छा कर भक्ति करना चाहते थे, उनके माता पिता उनको कहते थे नहीं 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 तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम भक्ति नहीं कर सकते। तो प्रहलाद महाराज के पिता ने अनेक प्रकार के कार्य किए जिसके द्वारा उनको नुकसान आए, उनकी मृत्यु हो जाए, पर हर स्थिति में भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। उसी प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं कौन त्या प्रति जानी न में भक्त प्रनश्यति, कि मेरा जो भक्त है वो कभी भी नष्ट नहीं होएगा, मेरा जो भक्त है उसकी मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः, सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब इसका ये अर्थ नहीं कि अगर आप लोग गृहस्थ आश्रम में हो कि आप सब गृहस्थ आश्रम को त्याग कर मंदिर में आ जाओ, ब्रह्मचारी बनो और बाल काटो, नहीं, उसका ये अर्थ नहीं। उसका ये अर्थ है कि हम श्रद्धा के साथ परम भगवान के दिव्य चरण कमलों की शरण लें। किसी न किसी व्यक्ति के चरण कमलों की शरण तो हमने लेना है। जैसे कि जो कम्युनिस्ट देश हैं उन देशों में लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते, पर वहाँ जो उन देश के नेता हैं उनके चरण कमलों की शरण लेनी पड़ती है। पर वैदिक शास्त्रों का ये कहना है कि उस प्राणी मात्र की शरण लो जिसमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। साधारण प्राणी मात्र में चार प्रकार के दोष हैं। एक दोष है कि वो गलती करता है, दूसरा दोष है कि उसमें छलने की इच्छा, हम उत्तर नहीं जानते, जब भी उस रूप से व्यवहार करेंगे जैसे हमारे पास उत्तर है, तीसरा कि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, और अगला कि हम गलतियां करते हैं। सो हर प्राणी मात्र में चार प्रकार के दोष हैं, पर परम भगवान में किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस कारण शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वव्यापी ज्ञान केवल भगवान द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है, इसको कोई साधारण व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें आज प्राप्त हो रहा है, उस आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में अंतर है। अंतर यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान सुख का भंडार है और भौतिक ज्ञान दुख का सागर है। भौतिक जगत में अनेक रूपों से दुख सहना पड़ता है। तो वैदिक शास्त्रों में परीक्षित महाराज जो पूरे पृथ्वी के राजा थे, पर एक दिन वो जंगल में थे तो एक ब्राह्मण लड़के ने उन्हें शाप दिया। ब्राह्मण लड़के ने यह शाप कर कहा कि 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक रूप से परीक्षित महाराज बड़े भाग्यशाली थे कि उनको ये कहा गया था कि 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित महाराज जी ने उस समय के महान ऋषि मुनियों को नामाश्रान्य के वन में बुठा बुलाया और सबसे ये प्रश्न पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उसे क्या करना चाहिए। और शुक्रदेव गोस्वामी जी जो कि व्यास देव जी के पुत्र थे, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपको तो कृष्णा के संबंधित कथा सुननी चाहिए। तो परीक्षित महाराज जी ने शुक्रदेव गोस्वामी जी से एक प्रश्न पूछा कि कोई साधन है जिसके द्वारा लोग इस कलयुग में अपने आप को जन्म मृत्यु के बंधन से बचा सकते हैं। और शुक्रदेव गोस्वामी जी ने कहा कले दुसे निदे राजन अस्ति एक महाजुना कीर्तन देव कृष्ण स्या मुक्त संघर्ष परम रजत। और शुक्रदेव गोस्वामी जी ने कहा कले दुसे निदे राजन अस्ति एक महाजुना कीर्तन देव कृष्ण स्या मुक्त संघर्ष परम रजत।
कि इस कलयुग में दोषों की नदी बह रही है, पर इस कलयुग में एक भाग्यशाली चीज है, वो है कृष्णा का कीर्तन। गाने का शौक हर सबको है, तो अगर आप गाना चाहते हो तो भगवान के दिव्य नाम का गुणगान कीजिए। तो इस कलयुग में कृष्णा के कीर्तन में जो ताकत है, जो शक्ति है, वो किसी और प्रकार की भक्ति में वो लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को कहा कि कलयुग में तो दोषों की नदी बह रही है, पर इस कलयुग में एक भाग्यशाली चीज अवश्य है, वो है कृष्णा का कीर्तन। और कृष्णा के कीर्तन के द्वारा सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो आप सब धर्म प्रेमी जो आज इस बैठक में उपस्थित हो, आप सबको हम कुछ संदेश देना चाहते हैं। हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं कि आप ये कीमती मानव जीवन का उपयोग करो भगवत भक्ति के लिए। आप ये कीमती मानव जीवन का उपयोग करो भगवान के संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए। पशुओं के समान इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लिप्त मत हो जाओ। और आज हम सोचते हैं कि पश्चिम देशों में लोग सुखी हैं, पर चाहे या दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, भौतिक सुख नहीं प्राप्त हो सकता इस भौतिक जगत में। हम पश्चिम देशों में भी प्रचार करते हैं और आपको विश्वास के साथ समझा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब इस पूरी इस सभा का लाभ उठाइए। लाभ इस रूप से कि जो शास्त्रों का संदेश है उसको स्वीकार कीजिए। तो भगवान उनके नाम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। भौतिक स्थिति में अगर आपको प्यास लगी हो तो पानी शब्द पानी में अंतर है। अगर आपको भूख लगी हो तो भूख खाने में और खाना शब्द में और खाने में अंतर है कि नहीं। अगर आपको भूख लगी हो, हम कहें खाना 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 खाना, उसे तो भूख नहीं मिटेगी। प्यास लगी हो और हम कहें पानी 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 पानी, उसे तो प्यास नहीं बुझेगी। आपको पैसा चाहिए तो पैसा 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 कह के तो संतुष्ट नहीं प्राप्त करते। पर भगवान का जो दिव्य नाम है वो हर रूप से पूरा है, वो अधूरा नहीं है। भौतिक नाम भौतिक शब्द अधूरे हैं। तो इस कारण जब आप भगवान का नाम लेते हो तो आप भगवान की संगत प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि भगवान में उनके नाम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो हम भगवान के दिव्य नाम के उच्चारण के द्वारा जो भौतिक रूपी विचार अनादि काल से हृदय में उत्पन्न हैं, उनको हम नष्ट कर सकते हैं। भगवान के दिव्य नाम के उच्चारा के उच्चारण के द्वारा भक्ति की भावना हृदय में उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान के दिव्य नाम के उच्चारण के द्वारा जो भौतिक रूपी विचार जिनके कारण हम बेचैन हैं, कई बार लोग हमें पूछते हैं स्वामी जी मैं बेचैन क्यों हूँ, स्वामी जी मन की शांति नहीं आती, स्वामी जी हमने इतनी पूजा की तो भी हम बेचैन रहते हैं, इसका उत्तर क्या है, कारण क्या है? कारण यह है कि हम बेचैन बन जाते हैं जब मन में अनेक प्रकार की भौतिक इच्छा हो। हम बेचैन बन जाते हैं जब आवश्यकता से अधिक हमें धन की प्राप्ति करना चाहिए। हम बेचैन हो जाते हैं जब हम एक तरफ से भक्ति भी चाहते हैं, दूसरी तरफ से हर प्रकार की भौतिक सुविधा चाहते हैं, ठीक है ना। इसी कारण हम बेचैन हो जाते हैं। तो अगर आपको मन की शांति चाहिए तो अहंकार को नष्ट करो, मन की शांति चाहिए तो इंद्रिय तृप्ति को त्यागो, मन की शांति चाहिए तो भगवान के चरण कमलों की शरण लो और भगवान के आदेश की शरण लो, तो ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान के नाम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। भगवान के दिव्य नाम के उच्चारण के द्वारा असली सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के दिव्य नाम के उच्चारण ही असली धन की प्राप्ति हो सकती है। और ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, ये सदा आपके साथ ही रहेगी। जो भौतिक धन है वो तो आपको यहाँ ही त्यागना पड़ता है। आवश्यकता से अधिक का परिश्रम कर सकते हो भौतिक धन के लिए, पर ये जो भौतिक धन है इसके द्वारा ना तो आज सुख आएगा ना कल। ये जो भौतिक धन है
हम आवश्यकता से अधिक कमाते हैं, किसके लिए? अपने लिए थोड़ी, पेट में तो केवल दो ही रोटी जाएगी, चाहे आप कितना भी धन कमाओ, पर दूसरों के लिए। और जब दूसरों से पूछा जाए कि आप पत्नी जी, माता जी, बच्चे, इनके जो सजा है उसको भुगतने को तैयार हो, छोटा सा हिस्सा, क्या कहते हैं वो लोग? क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमें थोड़ी कहते ये करने को। जब वाल्मीकि अपने माता पिता पत्नी बच्चों के पास गए, ये कहने लगे कि मुझे अभी पता लगा है, मुझे तो सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है ज्यादा हिस्सा मैं भुगत लूंगा, थोड़ा सा तो आप भुगतना, सबने इनकार कर दिया। तो आज हम मूर्ख व्यक्ति के समान इस जीवन का उपयोग कर रहे हैं, पर हमें सावधानी से इस जीवन का उपयोग करना है शास्त्रों के आधार पर। और शास्त्रों का क्या कहना है? तेसाम सदा युक्त नाम भजतम प्रीति पूर्वकाम, के प्रेम के साथ भगवान की भक्ति करो। तो प्रेम के साथ अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ही हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और भगवान की भक्ति आरंभ होती है इस कलयुग में जीव के द्वारा। इस कारण जीव के द्वारा भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करो, मन के द्वारा भगवान के आदेश की कल्पना करो, उनका स्मरण करो, आंखों के द्वारा भगवान के सुंदर रूप को स्वीकार करो, उसका दर्शन प्राप्त करो। इस प्रकार इंद्रियों का उपयोग भगवान के संबंधित कार्य में कीजिए। तो ये जो महामंत्र है उसमें 16 शब्द हैं। वैदिक शास्त्र में मंत्र शब्द का उपयोग किया जाता है। मंत्र शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा मन में शांति आए, और महा का अर्थ है सबसे महान। तो वैदिक शास्त्र में अनेक मंत्रों का वर्णन है, पर केवल एक ही मंत्र को महामंत्र के रूप में बताया गया है, वो है यह हरे कृष्ण मंत्र। तो सरल शब्दों में यह हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है, हे भगवान, हे प्रभु, आप कृपा करके हमें अपनी शरण में रखिए, आप कृपा करके हमें अपनी सेवा में लगाइए। इससे ज्यादा बेहतर कोई प्रार्थना हो सकती है आपके हृदय में? परम भगवान को ये कहना, आप कृपा करके हमें अपने चरणों में रखो, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। तो हम आप सबको ये कहना चाहते हैं धर्म प्रेमियों कि आप अपने जीवन का ठीक उपयोग कीजिए। आप सब में धर्म का विचार है, इसीलिए आप सब इस सभा में उपस्थित हो, पर सावधानी के साथ ये जीवन को चलाइए। जीवन किसी समय भी नष्ट हो सकता है, और भविष्य निश्चित होएगा कर्मों के आधार पर। इस कारण ये अवश्य है कि आप गृहस्थ जीवन में लाभ रहकर भी अपने जीवन को सफल बनाओ। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप भगवान के चरण कमलों की शरण ले सकते हो। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप अपने अशुद्ध विचारों को त्याग सकते हो। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि भगवत भक्ति की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति होती है भगवान के चरण कमलों को उनके आदेश के द्वारा स्वीकार करके। तो आप सब धर्म प्रेमी, आपको हम एक आध्यात्मिक संपत्ति देना चाहते हैं, वो है कृष्णा का नाम। आप सब ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप ये गृहस्थ स्थिति में रहिए, पर भगवान को केंद्र बिंदु बनाइए। आज हमारी भौतिक इंद्रिया तृप्ति के विचार केंद्र बिंदु बन पाए हैं, इसके कारण अनेक प्रकारों के दुख सहना पड़ता है। पर अगर आप इस जीवन का उपयोग करो भगवान के चरण कमलों की शरण लेने के लिए, चरण कमलों की शरण के दिव्य नाम के उच्चारण के द्वारा प्राप्त होती है, तो आपको अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी, और ये सुख के द्वारा आप भौतिक विचारों को त्याग पाओगे। तो आप सब धर्म प्रेमी, आपसे यही प्रार्थना है कि आप हर प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के विचारों को त्यागिए, और ये हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा भगवान के चरण कमलों की शरण लीजिए। भौतिक शरीर किसी समय भी नष्ट हो सकता है, इस कारण ये मानव जीवन का उपयोग किया जाना चाहिए भगवान के चरण कमलों की शरण लेने के लिए। कई बार लोग ये सोचते हैं भगवान के चरण कमलों की शरण केवल बूढ़े व्यक्तियों के लिए है। नहीं, हम सब बूढ़े हैं, क्योंकि बूढ़ा तो वो व्यक्ति है जो कि मृत्यु के निकट हो। तो चाहे 4 साल का व्यक्ति हो या 60 साल का, हर व्यक्ति मृत्यु के निकट है, ठीक है ना? तो हम सभी बूढ़े हैं, अंत किसी समय भी आ सकता है। इस कारण हमें भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। हरे कृष्ण।
Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare.